आप इग्नू के रिजल्ट के मार्क्स से खुश नहीं हैं क्या? आपको भी लगता है कि इग्नू ने जो मार्क्स दिए हैं वो बहुत ही कम हैं? इसके लिए आपको री इवेल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होगा और करके आप अपना आंसर कॉपी खुद देख सकते हैं कि इग्नू ने जो मार्क्स दिए हैं वो सही है कि नहीं है। अपनी आंसर की एक कॉपी को पाने के लिए कैसे अप्लाई करें, उसके लिए सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, देन री इवेल्यूएशन पर क्लिक करेंगे। नीचे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। आप लोगों को आंसर की कॉपी ईमेल के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू भेजी जाएगी। जैसा कि पॉइंट ई में लिखा हुआ है, जिन्होंने भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम दिया था उनके लिए आंसर कॉपी जो है प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, वर्कशॉप, असाइनमेंट और सेमिनार वालों के लिए भी यह सुविधा नहीं रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट नोट, यदि आपने शुरू में केवल री इवेल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था और बाद में मन किया कि हमको आंसर कॉपी के लिए भी अप्लाई करना चाहिए था, फिर आप अप्लाई करते हैं, तब उस केस में यदि आपका आंसर कॉपी प्रोसेस नहीं हुआ है, तब उस केस में जो है रीजनल सेंटर आपको आपका आंसर कॉपी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर प्रोसेस हो गया है तब आपको फिर से अप्लाई करना होगा आंसर कॉपी के लिए। उससे अच्छा है कि आप एक साथ ही दोनों के लिए री इवेल्यूएशन और आंसर कॉपी के लिए अप्लाई कर दे ताकि ये सब प्रॉब्लम ना हो। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद डिक्लेरेशन को क्लिक करेंगे, फिर एग्री एंड प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएगा, टर्म एंड एग्जाम 2022, टर्म एंड एग्जाम दिसंबर 2022। इसमें से जिस भी टाइम में आपने एग्जाम दिया होगा वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप लॉगिन करेंगे। इस फॉर्म को कैसे भरना है उसके लिए आप यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में ये वाले लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं फॉर्म को कैसे कैसे भरना है। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसके बाद ये कुछ ऐसा ओपन होगा। यहाँ पे आप अपना पर्सनल डिटेल्स को भरेंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका आपको री एवोल्यूशन चाहिए या फिर री एवोल्यूशन प्लस आंसर कॉपी चाहिए, दोनों से आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप ऐड रिक्वेस्ट पर जाएंगे और भी सब्जेक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना इग्नू का आईडी कार्ड को अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से पेमेंट करके सबमिट कर देंगे और इस प्रकार आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा।